तानाजी द अनसंग वॉरियर में नेगेटिव रोल प्ले करेंगे सैफ, राजपूत अधिकारी उदय भानु राठौर के रोल में दिखेंगे। फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर में अजय देवगन और सैफ अली खान एक बार फिर साथ आ रहे हैं। चर्चा है कि अजय के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में सैफ नेगेटिव रोल प्ले कर सकते हैं। मेकर्स इसके लिए सैफ को अप्रोच कर चुके हैं। फिल्म की यूनिट से जुड़े लोगों की माने तो सैफ इस फिल्म में राजपूत अधिकारी उदय भानु राठौर के रोल में नजर आएंगे। उदय भानु वही राजपूत अधिकारी हैं जिसे औरंगजेब की मुगल आर्मी के चीफ जयसिंह ने नियुक्त किया था। ये फिल्म 1670 में सिंहगढ़ के युद्ध पर बेस्ड है। ये युद्ध तानाजी मालसुरे और छत्रपति शाहू जी महाराज की सेना के कमांडर और उदय भानु सिंह के बीच लड़ा गया था। उन्होंने मुगल आर्मी के सिंहगढ़ किले को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया था। इस फिल्म का डायरेक्शन ओम राउत करने वाले हैं। अगर सैफ इस फिल्म को साइन करते हैं तो ये चौथी बार अजय देवगन के साथ काम करेंगे। दोनों ने पहली बार 1998 में रिलीज हुई कच्चे धागे में साथ काम किया था। इसके बाद 2003 में आई LOC कारगिल में साथ आए थे। 2007 में आई विशाल भारद्वाज की फिल्म ओमकारा में दोनों की यादगार परफॉर्मेंसेस सामने आई थी। इस फिल्म के लिए सैफ को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फॉर दी बेस्ट विलन। सुनने में ये भी आ रहा है कि सैफ अली खान अपकमिंग फिल्म हंटर में नागा साधु का रोल प्ले करेंगे। इस फिल्म की कहानी 1780 के दौर के इर्द गिर्द बनी है। इस पीरियड ड्रामा फिल्म के बैकड्रॉप में राजस्थान होगा। सैफ इस फिल्म में गुस्सेल और बदले की आग लेने वाला नागा साधु बने हैं। इसमें वो एक्शन सीन्स करते हुए भी नजर आएंगे।